गुजरात में बीजेपी मुख्यालय कमलम में जश्न का माहौल है। पार्टी के बड़े नेता यहां जुट रहे हैं। बीजेपी को मिली भारी जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की जनता का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाट लोडिया से करीब 2 लाख वोट से चुनाव जीत गए हैं और उनके दोबारा शपथ लेने की तैयारी जारी है। उन्होंने बीजेपी की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। भाजपा की जीत के पीछे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, पूरी लगन और संकल्प है। भाजपा का हर एक कार्यकर्ता जन सेवा के लिए भाजपा का प्रमुख सिपाही बना है, न किसी पद प्रतिष्ठा या लाभ के लिए। भाजपा के इस जनाधार को श्री नरेंद्र भाई से हमारे समर्पित नेतृत्व ने बनाया है और इसे बचाए रखना अब हमारा कर्तव्य है। भाजपा का ध्येय जनता का विश्वास बनाए रखना है। हमारा संकल्प जन कल्याण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय अटल जी और अब वैश्विक नेता श्री नरेंद्र भाई के पद चिन्हों पर चलकर सेवा ही साधना हमारा मंत्र है। इस चुनाव में हमारी जीत का एक कारण हमारे लोकप्रिय और वैश्विक नेता आदरणीय नरेंद्र भाई और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब का निरंतर मार्गदर्शन भी है। सच्चाई तो यह है कि चैनलों के एग्जिट पोल को भी इन नतीजों ने चौंका दिया है। 15वीं विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने 20 साल पुराना अपना और 37 साल पुराना कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीजेपी का राज्य में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन 127 सीटों का था, जो उसे 2002 के चुनाव में मिली थी। बीजेपी ने न सिर्फ मार्ग को क्रॉस किया, बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेता माधव सिंह सोलंकी के 1985 के 149 सीटों के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया। अमित शाह ने जीत का सेहरा गुजरात की जनता के सिर बांधा है। उन्होंने कहा है कि गुजरात हमेशा इतिहास रचता है, तो पार्टी गुजरात मॉडल की जीत मान रही है। कई लोगों ने तो हमारी सरकार को नहीं ऐसा लिख कर दिया, किसी ने कहा कि परिवर्तन हो जाएगा और हमारी सरकार बन जाएगी। आज गुजरात के लोगों ने जो सोच समझ के वोट करती है, अच्छा बुरा अच्छी तरह समझती है, उन्होंने उनको उनके सभी टिकटें कैंसिल करवा दी। मुझे विश्वास है कि गुजरात की जनता के आशीर्वाद से गुजरात में एक बार पुनः प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात के डबल इंजन वाली भाजपा का सरकार गुजरात में विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। गुजरात के युवा, महिला, किसान एवं युवा समाज के मतदाताओं को गुजरात के हित और गुजरात के सातत्यपूर्ण विकास के लिए गुजरात और राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर पुनः एक बार दृढ़ विश्वास रखा है। इस भरोसे को बनाए रखना, इस भरोसे को और मजबूत करना यह हमारी जिम्मेदारी है। सत्ता प्राप्ति के बाद सत्ता को माध्यम बनाकर लोगों की सेवा और कल्याण करने की परंपरा भाजपा और भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि निभाएंगे, ऐसा विश्वास हम गुजरात के करोड़ों मतदाता भाई बहनों को देते हैं। उन्हें एक बार सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। गुजरात में लगातार 7वीं बार सरकार बनाने जा रही बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर को सत्ता समर्थक लहर में एक बार फिर बदल कर दिखा दिया। इससे पहले 2019 के आम चुनाव में जनता की सत्ता समर्थक लहर ने पीएम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया था। दिलचस्प बात यह है कि 2002 में भी बीजेपी 50% वोट क्रॉस नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी को इस बार रिकॉर्ड 52% वोट हासिल हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी ने कई ऐसी सीटों पर भी जीत दर्ज की है जिन पर पहले कभी नहीं जीत हासिल की। इनमें से पहला नाम भरूच की झगड़िया सीट का है, जहां आदिवासी नेता छोटू बसावा को हार का सामना करना पड़ा। वहीं कांग्रेस की ऐसी पराजय पहले कभी नहीं हुई। कांग्रेस को राज्य में 20 सीटें भी नसीब होती नजर नहीं आई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि वो विचार मंथन कर कमियों में सुधार करेंगे। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे।
भाई ये डेमोक्रेसी में एक दिन की हार जीत परमानेंट नहीं रहती है। डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है, लेकिन अपने उसूल तो हम नहीं छोड़ने वाले ना। ये तो आइडियोलॉजिकल फाइट है हमारी, इसमें हार जीत तो होती है और हम देखेंगे फिर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, जहां कुछ कमियां हैं उसको भी ठीक करेंगे और लड़ते रहेंगे। कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीतकर गुजरात की क्षेत्रीय पार्टी बन गई है, साथ ही 13% वोट पाकर देश की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस बार सेंध लगाई है, अगली बार गुजरात का किला भेदेंगे। गुजरात एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उस किले को भेदने में हम सफल हुए। आज हमें लगभग 13% के लगभग वोट मिला है, अभी तक 39 लाख के करीब वोट मिल चुके हैं और अभी गिनती जारी है, अभी और भी वोट मिलेंगे। इतने लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, इतने लोगों ने पहली बार में हमें वोट दिया, इसके लिए मैं उन सभी लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने इतना प्रेम दिया। जैसा मैंने कहा कि इस बार किला भेदने में सफल हुए, आप सबके आशीर्वाद से अगली बार किला जीतने में भी सफल होंगे हम सब लोग मिलके। ये अलग बात है कि आपके मुख्यमंत्री पद के चेहरे इस दौरान गढ़वी अपनी सीट नहीं बचा पाए, गढ़वी खंबालिया से चुनाव हार गए हैं। वहीं कांग्रेस के लिए हिमाचल प्रदेश के चुनाव राहत की खबर लेकर आए हैं, यहां कांग्रेस सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है। चंडीगढ़ में नए विधायकों की बैठक बुलाई गई है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज है, ऐसे में इस जीत के लिए कांग्रेस से ज्यादा जनता को श्रेय दिया जा रहा है। कांग्रेस ने यही वादे गुजरात में भी किए, लेकिन वहां असर नहीं आया। कांग्रेस गुजरात की बीजेपी की जीत के बजाय उसकी हिमाचल में हार को मुद्दा बना रही है। क्यों भाजपा अपनी हार को स्वीकार नहीं करती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लोकतंत्र का फैसला है, सर माथे पर लीजिए। गुजरात का फैसले को सर माथे पर ले रहे हैं, दिल्ली नगर निगम सर माथे पर ले रहे हैं, हिमाचल की हार को भाजपा स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही है? क्यों जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त, सीबीआई, ईडी से आप एक लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने पे तुले हुए हैं? अभी तक का भाजपा का इतिहास यही बताता है, अभी सुधरने का मौका है, स्वीकार करिए हिमाचल की हार को और आगे बढ़िए। गुजरात में कांग्रेस की जीत के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को जिम्मेदार माना जा रहा है। बहरहाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार, गुजरात में बीजेपी की सरकार खुलने के साथ आम आदमी पार्टी को भी खुशखबरी इस चुनाव में मिली है, तो समाजवादी पार्टी ने भी गुजरात में 1 सीट जीतकर चौंका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।